नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे मैं वीकली अपडेट देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आज कुछ स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है और क्या क्या मिलने वाला है, इस पे ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस बार मैं थोड़ा सा फिटसी रीबैलेंसिंग हुआ है शुक्रवार को, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद पिछले हफ्ते मल्टी कैप फंड्स पे जो सेबी का रूलिंग आया, उसका सही मायने पे असर क्या होने वाला है ये भी देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिनों में कई फंड मैनेजर्स से बात की है पर्सनली, और उनसे कुछ जानकारी ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत भागदौड़ मची हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे सावध रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मैं बात करने वाला हूँ। उसके साथ साथ जिसके बारे में हम बात करेंगे रेगुलर, वो है निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू। हम सितंबर में एक्सपायरी वीक में जाते हुए देखेंगे सोमवार से, तो उधर अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। डेरिवेटिव डेटा हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ओवर्स कैसे हो रहे, क्या हो रहे, चालू हुए नहीं हुए, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। पीसीआर डेटा पे बात करेंगे, उसके साथ वर्ल्ड मार्केट्स पे रुपी डॉलर और क्रूड, ये एक रेंज बाउंड है पर उनपे एक हल्का सा व्यू ले लेंगे। उसके बाद विक्स देखेंगे कि विक्स क्या कह रहा है, और सेक्टर एनालिसिस। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आईटी इंडेक्स के बारे में बात की थी, ब्रेकआउट लेवल, और किस तरह से आईटी सेक्टर पिछले 2 हफ्ते में परफॉर्म करते नजर आए। मुझे कई कमेंट्स आए लोगों के कि रुपी तो स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, तो आईटी कैसे चलेगा। रुपी स्ट्रांग हुआ, आईटी चला, तो चार्ट्स को सब मालूम होता है। आपको आपका खुद का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, जो चार्ट कहता है ट्रेंड इज माय फ्रेंड, इसके साथ चलेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। फार्मा इंडेक्स, मैंने वापस एक बार फार्मा इंडेक्स की भी लेवल दी थी, उसका भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वो जानेंगे, और ये जानेंगे कि फार्मा इंडेक्स इधर से और कितना बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए, लेना चाहिए स्टॉक्स क्या नहीं लेना चाहिए इतने महंगे वैल्यूएशंस पे। तीसरा और इंपॉर्टेंट सेक्टर, नया सेक्टर, ऑटो इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और चौथा कंज्यूमर इंडेक्स पे बात करेंगे। तो नए 2 सेक्टर आ गए, तो कई स्टॉक्स आ जाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को। तो मेरा दो दो तीन रिक्वेस्ट है, आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको लगता है कुछ लेवल्स मिस हो गए, तो रिवाइंड होके वापस देखना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनालिस्ट चार्ट देखते हैं, चार्ट देखने के बाद सेक्टर्स चार्ट देखते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट देखते हैं, और कौन से स्टॉक्स में आपका ध्यान होना चाहिए, पोजिशनली, डिलीवरी बेस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, हम चालू कर देते हैं। ओके, तो पहले तो हमेशा कहते रहा, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ये अनलॉक सितंबर 4 स्पेशल ऑफर है, हमारा वर्कशॉप अगले वीकेंड को चालू होने वाला है, तो दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बुक। इधर क्लिक कीजिए, क्लिक हियर, रजिस्टर कीजिए, ये अटेंड कीजिए, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट। इसके साथ आपको चार्ट्स मिलते हैं, केजे चार्ट्स, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी, एक बार आप पढ़िए और फिर आपका लाइफ कैसे चेंज होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी प्लीज मत गवाइए, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो आपको अगला वर्कशॉप महंगे में करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि मेरा स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ मैं बात कर रहा हूं, आपको ये वर्कशॉप करना चाहिए। दूसरी चीज, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली। पिछले हफ्ते भी मेरा स्ट्राइक रेट 95% के ऊपर था। मेरा मानना है कि ये फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली आपको करना चाहिए। इसमें 2 चीजें मिलती है आपको, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हर रोज 6:30 के पहले आपको अपडेट मिल जाता है कि क्या होना होगा क्या नहीं होगा। आप ये भी देखेंगे कि मेरे लेवल्स कितने परफेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ केजे चार्ट्स मिल जाता है, तो ये आपको लेना है। तीसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा। आप अपने मोबाइल पे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और सिर्फ इधर क्लिक कीजिए टेलीग्राम चैनल पे,
अपने आप जुड़ जाओगे, क्योंकि दोपहर 12 के बाद अगर कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में तो उधर मैं अपडेट देता हूं। हर रोज नहीं आता पर जब बड़ा मूव आने वाला है तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो आप ड्यूरिंग द डे बिफोर द डे पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। और तीसरी चीज, पीसीआर डेटा इधर आपको देखने को मिलता है, वो हर एक घंटे में आपको अपडेट होता नजर आएगा। उसका पढ़ाई कैसे करना है वो उसके बारे में हम थोड़ी देर में आपको पता ही चल जाएगा। तो मेरा मानना है कि चलो हम अभी बैंक निफ्टी निफ्टी पे व्यू लेंगे, पर पहले मुझे लगता है कि फिटसी की रीबैलेंसिंग का अनाउंसमेंट आ गया तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ओके, तो फिटसी में रीबैलेंसिंग जो होने वाला है तो लार्ज कैप्स में कहीं पे पैसा आने वाला है, कहीं स्टॉक्स में पैसे जाने वाला है, यानी सेलिंग आने वाली है। तो कौन से स्टॉक्स है जो लार्ज कैप कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं? SBI कार्ड्स, अदानी ग्रीन, ओरो फार्मा, कैडिला, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे लार्ज कैप्स में इंक्लूड हुए हैं। यानी अभी लार्ज कैप फंड्स है वो इसमें बाय करना चालू कर देंगे। कौन से? SBI कार्ड्स, अदानी ग्रीन, ओरो, कैडिला, टाटा कंज्यूमर। अभी जो रीबैलेंसिंग हुआ है कौन से स्टॉक्स में इनफ्लोज आने वाले हैं? ICICI बैंक में आने वाले 900 प्लस करोड़ की बाइंग आएगी आते दिनों में। टाटा कंज्यूमर में 600 प्लस करोड़ की बाइंग आएगी। अदानी ग्रीन में 450 करोड़ के आसपास के बाइंग आने वाली है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस 440 प्लस करोड़ की बाइंग आने वाली है। ग्लैक्सो फार्मा 190 प्लस करोड़ की बाइंग आने वाली है। तो इनमें ध्यान देना चाहिए कहां पे बाइंग आती है। टेक्निकली जब ब्रेकआउट आता है तो आपको इन स्टॉक्स में एंटर करना है। आउटफ्लोज भी आने वाले हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग यानी कोई कई स्टॉक्स पे आपको पोजिशनिंग कमी करने के लिए कहा गया है और कई में एड करने के लिए। तो कहां पे बिकवाली आ सकती है? भारतीय एयरटेल लगभग 930 प्लस करोड़ की सेलिंग आने वाली है क्योंकि उनको उनका रिसाइजिंग नीचे में करना है। फिर रिलायंस में 490 के आसपास के करोड़ की सेलिंग है। इंफोसिस में 250 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। HDFC लिमिटेड में 220 के आसपास की सेलिंग आने वाली है। बंधन बैंक 184 की सेलिंग आएगी, 184 करोड़ की। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 140 करोड़ की सेलिंग आएगी। तो ये रहा फिटसी का रीबैलेंसिंग का जिस्ट। तो कई स्टॉक्स में बाइंग आने वाली है, कई स्टॉक्स में सेलिंग आने वाली है। आपकी पोजीशन सही मायने में परफेक्ट रहनी चाहिए इन स्टॉक्स में। अभी रहा सवाल जो मैंने बात की थी मल्टी कैप फंड्स पे। पिछले सप्ताह, पिछले फ्राइडे को आफ्टर मार्केट आज एक रूलिंग आ गया सेबी का, जहां पे उन्होंने मल्टी कैप फंड्स में जो फंड हाउसेस है उनको एक ऑर्डर दी, ऐसी ऑर्डर दी कि स्मॉल कैप में आपको 25% कंपलसरी इन्वेस्ट करना चाहिए और मिड कैप में 25% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सोमवार से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स धूम मचा रहे थे, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर तो चली गई पर सही मायने में फंड हाउसेस बाय करने वाले हैं या नहीं? तो मैंने जो बात की फंड मैनेजर से तो उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है सेबी को। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम एक नया कैटेगरी करना चाहते हैं फंड्स में जिसका नाम मल्टीकैप फंड से चला जाएगा फ्लेक्सी कैप। तो वो नेम चेंज करेंगे ताकि उनके पास ऐसा एक मैंडेट होगा कि मुझे कितना डालना है, कंपलसरी होके मुझे नहीं खरीदना है स्मॉल कैप, तो वो कंपल्सन नहीं होना चाहिए इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो उन्होंने एक न्यू कैटेगरी करने की दरख्वास्त की है, फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये हो सकता है अगर ये अप्रूव होता है तो एक ये जो फंड्स है फ्लेक्सी कैप सॉरी मल्टी कैप की, वो उसको रीनेम किया जाएगा और उसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर फ्लेक्सी कैप में डालते हैं तो अगर मैं फर्ज करो कि मैं फंड मैनेजर हूं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है स्मॉल कैप में डालना तो मैं मिड कैप में थोड़ा सा पैसा ऐड करूंगा या लार्ज कैप में ही रहूंगा, वो पूरी आजादी मेरे पास रहेगी। अगर ये अप्रूव नहीं होता है, सेबी बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? तो
दे विल मर्ज दिस इनटू द लार्ज कैप फंड। ये जो मल्टी कैप है वो लार्ज कैप फंड में मर्ज कर देंगे उस स्कीम को। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अभी आप समझिए, आप 5 टॉप फंड्स ले लीजिए, तो उनका सिर्फ 5 की बात कर रहा हूं, तो ये जो फंड्स 5 फंड्स है उनको मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना पैसा डालना है? तो 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ के लगभग अमाउंट मिड कैप और स्मॉल कैप में जाने वाला है। उसमें से स्मॉल कैप में कितना जाने वाला है? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ अगर स्मॉल कैप पे आएंगे, 5 फंड मैनेजर्स बाय करने जाएंगे, तो स्मॉल कैप का भाव जो अभी 50 रुपए है वो हो जाएगा 500 रुपए। चलेगा? बहुत डिफिकल्ट है। सो इतने सारे फंड्स इसमें नहीं आने चाहिए ऐसे फंड मैनेजर। मैं अगर फंड मैनेजर हूं तो जिसका वैल्यूएशन अगर 50-100 रुपए है, तो मैं 300-400 में बाय करने का कंपल्शन क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत है फंड मैनेजर्स की। तो स्मॉल कैप में 18,000 और मिड कैप में 7,000 करोड़ ये जाने वाला है रूलिंग के तरफ से जो पिछले हफ्ते आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल कैप फंड में 18,000 करोड़ आएंगे, क्योंकि फंड मैनेजर्स होशियार है। वो आपको आपके पैसे अच्छी तरह बढ़ाना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, रिस्की एसेट क्लास में नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल किया है। तो इस भागेदौड़ में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो जिनके पास लिक्विडिटी नहीं है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड हो गए, ऐसे स्टॉक से परहेज रखना होगा। ये ध्यान दीजिए, ओके? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको समझना चाहिए। आजकल एनालिस्ट आ रहे हैं और सारे स्मॉल कैप फंड्स की बाइंग करने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको उधर से परहेज रखना चाहिए। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली अगर वो सही मायने में बाय होता है तो ही बाय करो विद अ लिमिटेड रिस्क। आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम अभी निफ्टी पे जाते हैं, तो मैं लॉग इन करता हूं। हमेशा की तरह जीमेल से लॉग इन किया जाता है। और अगर आपने मार्केट आउटलुक डेली के लिए रजिस्टर किया होगा तो आपको ये केजे चार्ट्स फ्री लाइफ टाइम तक मिलता है। तो ये रहा निफ्टी। जैसे कि मैंने कहा पिछले बार भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा, और वही दायरा अभी भी कायम है। जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि ये दायरा कायम रहेगा जो पिछली बार भी कहा गया था। कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम इस दायरे में ही रहेंगे। जो पहले के रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बनेंगे और हम फ्लैट ट्रेड करते नजर आएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो 10,900 आ सकता है, 11,500 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मेरा मानना है कि अभी भी मेरा मानना है कि हम इससे बहुत नीचे नहीं जाएंगे और कंसोलिडेट करते नजर आएंगे। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस पे ध्यान देना चाहिए। 11,200, 11,300 ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए। तो मेरा मानना है कि ये सपोर्ट्स नहीं टूटने चाहिए, और ऑन द हायर साइड 11,600-11,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर हम जाते नहीं देखेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है
तो ही हम जल्दबाजी में ये ब्रेकआउट दिलाते नजर आएंगे। दूसरी बैंक निफ्टी पे ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी में जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था 22,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हम जाते हुए नहीं देखेंगे। 22,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, पर असली में इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 21,000। सो अगर 22,000 निकल जाता है तो सीधा हम 1,000 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। पर एट द सेम टाइम पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, और अगर ये सेलिंग अब्जॉर्ब हो जाती है तो मेरा मानना है कि 22,700 एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा। इसके ऊपर तूफानी तेजी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी को 23,500 तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा मानना है कि ये 22,700 पे ध्यान देना चाहिए। हम एकदम सीमित दायरे में कामकाज कर रहे हैं और ये लेवल रहेगा 22,000 का। और सॉरी 22,000 का और दूसरा लेवल रहेगा 22,700 का। तो इस छोटे से दायरे में बैंक निफ्टी ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ये ज्यादा दिन इस बैंड में नहीं रहेगा। आइदर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलेगा या डाउनसाइड में, जहां पे भी मिलेगा हमें एक बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। 22,000 के नीचे सीधा हम 21,500, 21,000 ये फटफट करके आ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम 23,700 निकल जाएगा तो 23,500, 24,000 के हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी जो निफ्टी में मूवमेंट आएगा वो सिर्फ बैंक निफ्टी के वजह से आएगा, और हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी के वीक में, मंथली एक्सपायरी के वीक में हमें बहुत अच्छी तरह से ये लेवल्स याद रखने हैं। अभी हम आते हैं डेरिवेटिव डेटा पे, हम देखते हैं क्या डेरिवेटिव डेटा कह रहा है। और इधर हम निफ्टी टाइप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये ऑप्शन चेन डेटा। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, पर इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो मुझे करने में तकलीफ है, आपको सुनने में क्या तकलीफ है? तो मेरा मानना है कि आपको ये सुनना चाहिए। तो निफ्टी का क्लोज 11,500 था, तो 11,500 के आसपास जाते हैं और देखते हैं 11,500। देखिए इधर 11,600 में 46 लगभग 46,000 का ओआई देखने को मिल रहा है, और उसके बाद अगर ऑन द हायर साइड देखते हैं तो सबसे बड़ा है 12,000। तो ये बहुत बड़े बैरियर्स रहेंगे। अभी के लिए 11,600 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर ये क्रॉस करता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्राइडे को क्या हुआ था, न्यूज़ आ गई पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, तो डर के मारे कई लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली हुई है। हेज्ड पोजीशंस होगी, पर हेज्ड होगी पर फिर भी तो शॉर्ट तो है, तो उनको कवर तो करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना 11,600 लेवल पे इस ओआई पे, और ये ओआई कैसे चेंज होता नजर आएगा फॉर द मंथली सेटलमेंट। ऑन द लोअर साइड में यानी पुट साइड में अगर देखते हैं तो 11,500 के नीचे अगर कोई बड़ा है तो सीधा 11,400 और 300, पर इधर उतनी एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हमने 11,500 को होल्ड किया है, क्यों होल्ड किया है, क्योंकि इधर 45,000 का ओआई है। तो जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता कि 11,500 टूटेगा। कल इतने पैनिक में हमने टेम्परली किया पर वापस एक बार आ गया, और आपने सुना होगा मुझे जी पे कि जी बिजनेस पे कि मैंने कहा था 11,500 नहीं टूटेगा, हम नीचे थे और वापस बाउंस बैक देखने को मिला। वैसे ही बैंक निफ्टी में 22,000 के नीचे नहीं जाएंगे, कई शॉर्ट कॉल्स आ गए पर मैंने परहेज रखा, मैंने कोई कॉल नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लेवल्स की करामात है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी का हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं। देखिए ये जो लेवल्स होते हैं ऑप्शन चेन के, ये बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एट द सेम टाइम अगर टेक्निकल और ऑप्शन चेन डेटा ये अगर अलाइन होते हैं तो आपका कन्विक्शन इस काउंटर पे, इंडेक्स पे होगा, स्टॉक्स पे होगा, वो बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा। देखिए 22,000 का क्लोज है, 22,030 का, तो
तो हम 22,000 के आसपास जाएंगे और उधर देखेंगे क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो 22,000 के पहले पुट साइड में देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा ओआई नजदीक में सीधा 22,000 पे ही है, देन इज 21,500 टेक्निकल लेवल और डेरिवेटिव लेवल एक ही है, और उसके नीचे सबसे बड़ा है 29 और वो भी है 21,000 के इंडेक्स लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा अगर 22,000 टूटता है और कंसिस्टेंटली रहता है तो नीचे में 21,500 21,000 विजिट करेगा बैंक निफ्टी। पर उसके साथ हमें क्या देखना है कि ऑन द हायर साइड क्या है, तो 22,000 के ऊपर सीधा 22,500 आता है जहां पे बड़ा ओ आई है और उसके बाद 23,000 है। तो मेरा मानना है कि 22,000 मेक एंड ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर है तो आपको थोड़ा सा बुलिश स्टांस रखना पड़ेगा, उसके नीचे है तो थोड़ा सा बेरिश, तो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा और 500-500 पॉइंट दूर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है। अभी आते हैं हम पीसीआर पे, पीसीआर क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीआर पे जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि एक के आसपास अगर आता है, ये वैल्यू एक है देखिए, ये एक के लेवल के आसपास आता है तो हम ओवरसोल्ड कैटेगरी में जाते हैं ऐसा कहते हैं और उधर से बाउंस बैक आता है। तो इन द रिसेंट पास हमने देखा है कि 1.2 से ही घूम जाता है और शुक्रवार का 1.366 ये वैल्यू है, तो हम ओवरसोल्ड के नजदीक आ रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में है, कोई डरने की बात नहीं। मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे हम निफ्टी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस है नीचे आने के लिए, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो हम 1.2 के आसपास जाएंगे कि ओवरसोल्ड हो जाएंगे और फिर वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो डरने वाली बात नहीं है, मंदी की बात नहीं करनी चाहिए। अभी आते हैं हम विक्स पे, विक्स क्या कह रहा है हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे विक्स। मुझे लगता है अभी हम वर्ल्ड मार्केट देखने चाहिए, और वर्ल्ड मार्केट्स अगर देखते हैं तो डाउ जोन्स का चार्ट जो कि मैंने पिछली बार भी दिखाया था, हम कंफर्टेबली ये जो रेजिस्टेंस था इधर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, वही सपोर्ट लिया, ऊपर गए सपोर्ट लिया और हम सपोर्ट के ऊपर है। मेरा मानना है कि जब तक ये इसके सपोर्ट लेवल प्रिसाइज चाहिए आपको तो है 27,450, तो 27,450 के जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आपको डाउ जोन्स में बड़ी मंदी नहीं दिखेंगी। एट द सेम टाइम 28,350 360 अगर लेवल्स निकल जाते हैं तो वापस एक बार 28,800 28,900 के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आएंगे। तो अभी वर्ल्ड मार्केट्स में भी मंदी का वातावरण नहीं है, इधर भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है। रुपी डॉलर पे ध्यान देंगे तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि कैसा दिख रहा है रुपी, तो रुपी अभी भी स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है और जिस तरीके से हम इधर कंसोलिडेट कर रहे हैं 73, तो अगर ये 73 का लेवल निकल जाता है तो मेरा मानना है कि हम 72.50 72 के लेवल्स भी विजिट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छी बात है और स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी। वीकनेस कब आएगी, अगर 74.50 निकल जाता है जो कि इधर और इधर अच्छा सपोर्ट था, ये अगर टूट जाता है तभी हमें रुपी में वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी तक मेरा मानना है कि जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है वो स्ट्रेंथ कायम हो रही है, और अगर 73 निकल जाता है तो 72.50 72 के लेवल्स अगले हफ्ते टेस्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्रूड के चार्ट देखेंगे, सिल्वर और गोल्ड के चार्ट देखेंगे जो कि बहुत मायने रखते हैं। अभी के लिए पहले क्रूड देखेंगे। क्रूड में जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था एक इम्पोर्टेंट रेंज से नीचे आ गए थे और मैंने कहा था कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है 23,2600 के आसपास के लेवल्स, और वहीं से हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो मेरा मानना है कि 26,100 और ऊपर में ये लेवल है 3,200 ब्रॉड, मैं फुल फिगर्स की बात कर रहा हूँ, इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। क्रूड थोड़ा सा वापस एक बार थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है पर वही ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो क्रूड में कुछ नहीं है। गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में भी रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है मूव, तो गोल्ड
का चार्ट देखते हैं तो वही लास्ट मंथ लास्ट वीक का, उसके लास्ट वीक का जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वही है 50,000 एक अच्छा सपोर्ट। ऑन द हायर साइड ये 53,000 के आसपास के लेवल्स, ये जब तक क्रॉस नहीं करते, एक्चुअली 54,000 ये अगर क्रॉस नहीं करते तब तक मुझे लगता है कि रेंज में रहेगा। पितृपक्ष खत्म हो गया है तो सारे बोल रहे थे कि पितृपक्ष खत्म हो गया, अभी अधिक मास लग गया है तो इधर गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ी मूव देखने को मिली। चार्ट्स बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर का भी ऐसा ही चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल सीमित दायरे में 60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 72,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये जब तक टूटते हैं तो बड़ा मूव नहीं, कंसोलिडेशन फेज ही देखने को मिलेगी। तो ये रहा मेरा गोल्ड क्रूड यूएस डॉलर और वर्ल्ड मार्केट्स पे व्यू। अभी आते हैं हम विक्स पे, वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर हम इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं तो वापस एक बार, मैंने पिछली बार भी बोला था जब तक हम 28 के ऊपर नहीं आते तब तक कोई मंदी की बात नहीं करना चाहिए, बड़ी मंदी की बात नहीं करना चाहिए। करेक्शंस तो आएंगे, 200-300 पॉइंट के करेक्शंस आएंगे, विच आर हेल्दी, तो बड़ी मंदी नहीं लग रही है। मेरा मानना है कि विक्स अभी भी कायम सेटल होता नजर आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर पे हम पहले आईटी पे जाएंगे, निफ्टी आईटी। देखिए मैंने ये ब्रेकआउट लेवल कहा था, प्रिसाइज लेवल 318375, जैसे ही ये 18375 टूटा हमने देखा किस तरीके से हमने एक रैली देखी देखने मिली। अभी 18,000 से लेके 19,800 तक हमने दूरी कही है, लगभग 20,000, तो 2,000 पॉइंट की रैली के बाद शायद हम थोड़ा सा आईटी में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी आईटी सेक्टर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत भागदौड़ हो गई, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा सेटल होगा, रेंज अबाउट ट्रेड करेगा। इन्फी, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंडट्री, मैंने जो जो नाम लिए थे बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आए, अभी उस पे कंसोलिडेशन फेज चालू हो जाएगा। तो अभी आपको कहाँ देखना है, अभी देखना है आपको फार्मा। देखिए गजब का चार्ट है, गजब का, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन, ये देखिए ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और मैं अभी क्या करने वाला हूं, कॉम्प्रेस करने वाला हूं। अभी जादू देखिए और एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ये देखिए कितने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था और ये इसने तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है कि आते दिनों में 13,500 के आसपास के लेवल्स आपको टेस्ट होते नजर आएंगे, और उसके ऊपर 14,000 के आसपास, 13,500 से 14,000 के टारगेट्स आपको फार्मा इंडेक्स में देखने में मिलेंगे। यानी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए इस हफ्ते से, सोमवार से, फार्मा इंडेक्स, फार्मा स्टॉक्स ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक बड़ा बड़े पैमाने का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और एक सेक्टर है जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए और वो है ऑटो। ये देखिए अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है पर ब्रेकआउट के कगार पे बैठा हुआ है, जैसे ये ब्रेकआउट होगा तब आपको एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो आपका ध्यान होना चाहिए ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पे। तो ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज उसके साथ साथ सेकेंड रन में चालू ट्रेंड परफॉर्म करते नजर आएंगे, पर पहले ऑटोज, तो उसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, 8,400, राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, 8,160 के आसपास की क्लोजिंग है। 8,400 के ऊपर अगर ऑटो इंडेक्स चलता है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो एक बहुत बड़ी मूव। तो आपको कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट M&M, उसके बाद टाटा मोटर, अशोक लेलैंड तो है ही, मारुति, एस्कॉर्ट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो और हीरो मोटो, उसके साथ साथ आइशर मोटर्स। पर आप पहले लार्ज कैप स्टॉक्स देखिए, उधर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिन्होंने जिन्होंने हमारे टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको मालूम है ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है और बेहतरीन मूव्स देखने को मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा जो अभी सितंबर ऑफर है उसको आपको गवाना नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये ऑफर आप प्लीज लपक लीजिएगा। ओके, और तीस चौथा अभी सेक्टर, ओके, कंजम्पशन।
देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है कंजम्पशन पे। ये टॉप था अक्टूबर 2019, ये टॉप था फरवरी 2020, ये टॉप था अगस्त 2020 और हम सितंबर में है। वैल्यू है 5200, 5200 थोड़ा सा ऊपर है उसके, पर राउंड फिगर कह रहा हूँ, अगर 5200 के ऊपर जाएगा जो कि 50 पॉइंट नीचे है करंट लेवल से, तो मेरा मानना है 5200 अगर क्रॉस करता है तो कंजम्पशन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। कौन से स्टॉक, मैं आज जब इधर नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कंजम्पशन स्टॉक्स का लिस्ट हमारे जो मेंबर्स है उनके लिए देने वाला हूँ। तो मेरा मानना है कि कंजम्पशन स्टॉक्स आपको एक बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी, मल्टीपल टॉप्स के ब्रेकआउट है, यानी कंजम्पशन स्टॉक्स इधर से अगले 2 साल में कंजम्पशन का जो इंडेक्स है वो जो आज 5000 है वो 10000 होगा 2 साल के अंदर, ये चार्ट कह रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल के व्यू से, लॉन्ग टर्म व्यूज के हिसाब से कंजम्पशन स्टॉक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, तो बहुत बड़ी रैली आपको कंजम्पशन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड और उसके साथ चलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आप जो लेवल्स देख रहे हो मैं आपको सिखा रहा हूं उसके साथ चलिए। तो इस बार के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। और अगले हफ्ते वापस एक बार फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।